जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ गौरव कुमार। दोस्तों, आज सुबह वाली वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, इज्जत दिया, भयंकर इज्जत दिया, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक्चुअली इस वीडियो में मैं कहना ये चाहता था कि आप अपने लाइफ में छोटे छोटे टारगेट को मतलब बनाने से अच्छा है कि जो आपका मेन प्रोफेशन है, जो आपका मेन एम है, जो सच में आप करना चाहते हैं, उसी को टारगेट बनाएं और उसको एक बार में अचीव करें और ज़िंदगी भर के लिए पढ़ाई से छुटकारा पाए। मेरा कहना ये था। लेकिन पता नहीं आप लोगों को कैसे इमोशनल लगा, फिर भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत प्यार सपोर्ट मिला, काफ़ी प्रसन्नता हुई मुझे इस बात की। अभी मतलब इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने वाला हूँ कि दिन में मुझे एक कॉल आया था जिसमें वो लड़के मुझे बता रहे थे कि दो कॉल आया था इसी टॉपिक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक बताया कि सर मुझे एक कॉल आया था, वो बोला कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इलाहाबाद पहले जाना होगा, फिर वहाँ पे कुछ करना होगा और ये क्या बोलते हैं, तब उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, इस टाइप का। तो मैंने उनको समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर दूसरा कॉल इसी टाइप का है कि सर वो मतलब कि बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रिजेक्ट कर देता है कि आप हमको इतना पैसा देंगे तो हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको इस टाइप का कमेंट सॉरी कॉल अगर आ रहा है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, पर्सनली आप वहाँ भी आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, ठीक है दोस्तों। इस तरह के जो कॉल मतलब कि फ्रॉड कॉल है वो आपको आना शुरू होगा, ठीक है। हम लोगों के टाइम में क्या होता था कि हम लोगों को तो पूरा नॉलेज ही नहीं होता था कि कितना कितना पॉइंट कितना का वो जो मेरिट बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ेगा, क्या होगा, ठीक है, कैसे रिजेक्शन में क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग इतना मैं बार बार आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आपका नाम मेरिट में आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी बिना कुछ किए आपके पास आ जाएगा। कोई उसमें सोचने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जिसको रिजेक्शन होना है उसका रिजेक्शन घर पर आया कि नहीं आया, तो बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। मतलब कि एक जो नॉलेज होता है, एक जो जागरूकता होता है, मतलब एक अलर्टनेस होता है, तो अलर्टनेस को सही दिशा में रखिए, ठीक है। ये नहीं कि आलतू फालतू चीज़ों को भी जानने का वो कोशिश में अपना टाइम वेस्ट करिए। मैं देखते रहता हूँ कि कई लोग यूट्यूब वीडियो में बताते रहते हैं, वो एक पूरा पोथी पत्र लेकर के बैठ जाते हैं, बोर्ड पर बताने लगते हैं इतना पॉइंट इतना इतना पॉइंट इतना, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगता है। बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह के बताते हैं। दोस्तों, आपको कटअप से कुछ लेना देना नहीं है, जो आपका सिलेक्शन होना है वो बोर्ड तय करेगी। तो यूट्यूबर को बताने से या आपके इतना ज़्यादा सोचने से उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा कहना ये है इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी छात्र हैं, कि हम लोगों ने भाई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, और आप लोग भी एक छोटे भाई के नाते आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। सिर्फ ये पता करो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, उसके बाद से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग लेटर जो है कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा ये सब लेकर के जाना है, क्या करना है नहीं करना है, इन सब बातों को जानने का कोशिश कीजिए। बाकी बात बाकी फालतू चीज़ों के पीछे मत पड़िए, ठीक है। और रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं एकदम नेट एंड क्लीन बहुत ही साफ सुथरी वीडियो आप लोगों के बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसकी चिंता आप लोग ना करें, ठीक है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या करना है नहीं करना है, वो मैं एक वीडियो में अलग बता दूंगा। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना है कि आप लोगों को जो भी कॉल अगर आ रहा है, फ्रॉड कॉल अगर आ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ करने के लिए कुछ पैसा मांग रहा है, तो सबसे पहले हमको बता, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसके बाद हम जो बोलेंगे उसी के अनुसार काम कीजिएगा। नहीं तो देखिए पैसा आपका बर्बाद होगा, आपका कुछ होगा, उससे मेरा क्या। लेकिन बुरा लगता है थोड़ा सा कि आप फौज में जो है गरीब परिवार के लोग आते हैं, तो हमको इस बात का बहुत ही फील होता है। तो जो सही राय है, सही सजेशन है, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग एक बार हमको खबर जरूर कीजिएगा कि आपको अगर कॉल उल अगर इस टाइप का आए तो हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। तो
तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।